दोस्तों क्या आप जानते हैं समुंदर अंतरिक्ष से भी ज्यादा रहस्यमयी है। आखिर क्यों चांद और मंगल ग्रह पर पहुंचना सी एक्सप्लोरेशन से आसान माना जाता है? क्यों अभी तक सिर्फ 5% ओशियन ही एक्सप्लोर किया गया है? मरियाना ट्रेंच क्या है? क्या सच में पानी की गहराई में एलियंस रहते हैं? और कैसे इतने अंधेरे में ये मछलियाँ खुद की लाइट जनरेट करती हैं? अगर आपको भी इन सवालों के जवाब जानने हैं तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों वैज्ञानिक हमेशा नई नई जानकारी इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, फिर चाहे वो डीप सी एक्सप्लोरेशन के रिलेटेड हो या फिर स्पेस मिशंस के। इन्हीं चीजों से हमें नए नए रहस्यों के बारे में पता लगता है। अगर हम पृथ्वी को बाहर से देखें तो ये नीले रंग की दिखाई देती है। वजह है पृथ्वी की सतह पर पानी का होना, और इसी पानी की वजह से ही हम लिविंग बींग्स जिंदा रहते हैं। जब धरती पर कुछ भी नहीं था तब सिर्फ पानी ही पानी था, और इसी पानी में ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जन्म हुआ और धीरे धीरे कई सारी स्पीशीज बनती गई। मरियाना ट्रेंच समुंदर की वो जगह है जिसे डीपेस्ट पॉइंट ऑफ सी माना जाता है। ये जगह समुद्र में 10 किलोमीटर से भी ज्यादा गहराई में है। इस पॉइंट पर पानी और अंधेरे के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसे में इंसान को तो छोड़ो, अगर यहाँ पर कोई मशीन भी जाती है तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। वजह है पानी का प्रेशर। लेकिन इतने चैलेंजेस होने के बावजूद भी कई लोग यहाँ तक पहुँच कर वापिस जिंदा लौट पाए हैं, जिनमें से एक है कैथी सुरवान। ये दुनिया की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने न सिर्फ अंतरिक्ष की यात्रा करी है बल्कि मरियाना ट्रेंच तक भी जाकर वापिस आ चुकी है। ऐसे ही टोटल 8 लोग हैं जो अभी तक यहाँ पर पहुंचकर वापस जिंदा लौट पाए हैं। लेकिन यहाँ पर पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर हम सी लेवल से 1 किलोमीटर नीचे जाते हैं तो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारी बॉडी 800 फीट की गहराई तक ही सेफली ट्रेवल कर सकती है। लेकिन इसके नीचे जाते ही पानी का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ने लगता है कि सांस ना आना, लंग्स डैमेज हो जाना, ये तो आम बात होती है। लेकिन समुद्र में जो मछलियाँ होती हैं उन्हें पानी का तेज प्रेशर भी नॉर्मल लगता है, इसीलिए पानी में 1 किलोमीटर की गहराई तक हमें मछलियों की कई स्पीशीज दिख जाती हैं। अगर हमें इससे भी नीचे जाना हो तो हमें सबमरीन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कई बार सबमरीन भी ब्लास्ट हो जाती हैं, जैसा अभी कुछ दिनों पहले टाइटन सबमरीन के साथ भी हुआ था। अब जैसे जैसे हम और नीचे जाने लगते हैं पानी का टेम्परेचर उतना ही ज्यादा कम होने लगता है। हालांकि समुंदर एक्चुअली में कितना गहरा है ये बात आज तक कोई भी साबित नहीं कर पाया है। लेकिन इस दुनिया में 2 ऐसे आदमी भी हैं जिनके नाम अभी तक पानी में सबसे नीचे जाने का रिकॉर्ड दर्ज है। इन लोगों ने पानी के अंदर करीब 11 किलोमीटर नीचे जाने का रिकॉर्ड बनाया है। इतनी नीचे पहुंचने के बाद इन लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इससे पहले कि ये और नीचे जाते पानी के प्रेशर की वजह से इनकी सबमरीन पर क्रैक्स पड़ने लगे, इसी वजह से इनको वापस ऊपर आना पड़ा। अगर अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो हम इससे नीचे नहीं जा सकते। यही वजह है कि हम अभी तक सिर्फ 5% ओशियन सी एक्सप्लोर कर पाए हैं। दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या हम आने वाले टाइम में इससे नीचे जा पाएंगे? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में टाइप करना ना भूलें। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसी नॉलेजफुल वीडियोस आप तक हर रोज पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।